हमारी अपनी पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे वो है बीपीएससी का एई सिविल का एग्जाम हुआ है 13 अक्टूबर को, उसका सॉल्यूशन। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया कि रेडिट इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट विच इज ऑल्सो कॉल्ड, जो रेडिट एक सोशल नेटवर्किंग साइट उसको और क्या कहते हैं, वो होता है न्यूज एग्रीगेटर। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका बी। दूसरा क्वेश्चन है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो था वो ऑरिजिनली किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो वो डिजाइन किया गया था अभय भूषण के द्वारा। आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अगर लॉजिकल सिचुएशन वेयर आइदर दो एक्शन को आपको करना है और डिपेंड करना है स्पेसिफिक कंडीशन पे, तो आपका जो आंसर होगा उसमें क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा डी, इफ होगा केवल। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। व्हाट डज ओओपी मीन, ओओपी मीन्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आपका आंसर ए हो जाएगा सही। पांच नंबर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया विच टाइप ऑफ चार्ट इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए यूज जो करते हैं वो करते हैं हम लोग स्कैटर का, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। फिर क्वेश्चन पूछा गया डैश हैज द कैपेबिलिटी टू प्रायोरिटाइज द प्रोसेस मिनिमाइज एंड एग्जीक्यूट एग्जीक्यूशन टाइम एंड वर्क इंडिपेंडेंटली विथ नो इंटरडिपेंडेंसीज, ये जो होता है ये हो जाएगा आपका आरटीओएस हो जाएगा सिक्स का आंसर ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है द ट्राइडेंट शेप्ड सिंबल बुद्धिज्म में क्या नहीं है, तो बुद्धिज्म में है बुद्धा धम्मा और संघा है, बुद्धा धम्मा और संघात। आपका जो पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो नॉट में हो जाएगा आपका आंसर सी, निर्वाण, निर्वाण नहीं होता है वहां पर, तो सी हो जाएगा आपका आंसर। फिर बोला गया लार्जेस्ट इपिक ऑफ द वर्ल्ड क्या है, वो महाभारत है, आपका आंसर आठ का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट डज नॉट हैव डैश लैंग्वेज, तो देवनागरी जो होगा वो आपका हो जाएगा आंसर का हो जाएगा बी, तमिल। तमिल जो होता है वो ब्राह्मी लिपि है, ठीक है, वो ब्राह्मी लिपि है, तो आपका आंसर हो जाएगा नौ का बी। फिर पूछा गया है कि कौन खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल हो जाएगा आपका ग्राउंड नट, डी आंसर हो जाएगा डी। फिर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द टू डेज सनराइज, सनराइज जो होता है आपका कब एग्जैक्टली ईस्ट की ओर होता है, तो ये जो होता है वो डेट होता है आपका 21 मार्च, सही है, बी हो जाएगा 11 का बी। 12 का जो आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लीगल एडवाइजर किसके होते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, तो 12 का आंसर हो जाएगा ए। फिर है सेफ्रॉन कलर इन द इंडियन नेशनल फ्लैग वो किस चीज का सिंबल है, तो वो होता है सेक्रीफाइस, आंसर हो जाएगा इसका डी। 14 क्वेश्चन है द इम्फेसिस ऑफ इंडियन फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन जो वो किसके बारे में बताता है, इंडियन फेडरेशन बताता है यूनिटी ऑफ नेशन के बारे में, आपका आंसर हो जाएगा 14 का ए। फिर पूछा गया है कि रिजर्व बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है, तो रिजर्व बैंक का फंक्शन फेक करेंसी को पकड़ना नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा सी। फिर पूछा जा रहा है लॉकी के हिसाब से कौन नेचुरल राइट नहीं था, तो लॉकी के हिसाब से नेचुरल राइट जो था इक्वलिटी नहीं था, आंसर हो जाएगा डी। फिर पूछा जा रहा है यूनेस्को के द्वारा कौन से सिटी को कवर्ड किया गया है क्रिएटिव साइट्स ऑफ नेटवर्क में, तो वो किया गया है श्रीनगर को, आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें पूछा जा रहा 18 नंबर में वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग कहाँ इंस्टॉल किया गया था, वो किया गया था लेह में, आपका आंसर हो जाएगा ए। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन कब लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया था 2014 में, आंसर हो जाएगा बी। फिर पूछा जा रहा है विच कंट्री विल होस्ट 7th Under-17 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप, ये फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, ये होगा इंडिया में, आंसर हो जाएगा इसका ए। फिर पूछा जा रहा है कौन सा बैंक जो है ईच 3.0 का विनर था, वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 21 का आंसर हो जाएगा बी, SBI। 22 पूछा जा रहा है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन ए पारा ओलंपिक मेडल इन आर्चरी, आपका आर्चरी में एक हरविंदर सिंह को प्राइज मिला, गोल्ड मिला था, मेडल मिला था पहला, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। फिर इंजीनियर्स डे जो हम 15 सितंबर को मनाते हैं वो किसका बर्थडे है, वो है एम विश्वेश्वरैया का, आंसर हो जाएगा ए। फिर 24 है विच हाईवे बिकेम द इंडिया कंट्री फर्स्ट ईवी फ्रेंडली हाईवे, ये हो जाएगा दिल्ली से चंडीगढ़, आंसर हो जाएगा इसका ए। फिर बोला जा रहा विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ द
ऑफ द कंट्री, तो वो है इंदौर, आंसर हो जाएगा आपका डी। फिर पूछा जा रहा है 26 नंबर में, डैश हैज बिकेम फर्स्ट इंडियन सिटी टू बिकेम फ्री ऑफ रेबीज, रेबीज से फ्री हुआ था गोवा, आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखें, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ये हो जाता है बी 0.001 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा बी। लीनियर मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, तो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा आपका मास इंटू वेलोसिटी, मतलब टाइम कर दो इंटू टाइम कर दो, ये हो गया न्यूटन, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी। अल्टीमीटर इज एन इक्विपमेंट यूज इन एन एयरक्राफ्ट टू मेजर इट्स एल्टीट्यूड, ए हो जाएगा आंसर। द ग्लोबल वार्मिंग रिजल्टेड इन, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, आपका सी लेवल इंक्रीज कर जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। फिर थिक ग्लास प्लेट बिहेव लाइक, थिक ग्लास प्लेट जो है वो कैसा बिहेव करता है, वो एक्चुअली मिरर की तरह बिहेव करता है, इसमें थोड़ा सा डाउट है हम लोग को भी, बट ये मिरर की तरह बिहेव करता है, हमारे हिसाब से ये प्लेन मिरर होगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट है। फिर बोला जा रहा है डैश आर यूज इन रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में किसका यूज किया जाता है, वो किया जाता है एक्सरे का, आंसर हो जाएगा आपका सी। फ्यूज वायर जो बनता है वो किससे बना हुआ होता है, तो फ्यूज वायर जो होता है वो लीड और टीन का होता है, आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। पूछा जा रहा है इन कोल्ड कंट्री, कोल्ड कंट्री ठंडे प्रदेशों में वाटर इज यूज्ड एज हीट जनरेटर फॉर वाइन बोतल बिकॉज, क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज वेरी हाई, ये आपका आंसर सही होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है 35 नंबर में, डैश रेडिएशंस आर यूज टू कंट्रोल द थिकनेस ऑफ पेपर प्लास्टिक एंड मेटल शीट ड्यूरिंग प्रोडक्शन, कौन से रेडिएशन का यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है बीटा रेडिएशन का, आंसर हो जाएगा इसका सी। द क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड जो होता है वो डिपेंड करता है उसके एम्पलीट्यूड पर, क्वालिटी की बात की जा रही है यहाँ पर, तो क्वालिटी जो है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर, आंसर हो जाएगा आपका सी। राइस ग्रो बेटर इन कौन से सॉइल, ध्यान देना राइस के लिए जो सॉइल चाहिए उसका पीएच वैल्यू 6 से लेके 6.7 तक होता है, और हम लोग जानते हैं कि 7 पर हमारा न्यूट्रल है, ये 7 के नजदीक, अब इसका आंसर एसिडिक भी हम दे सकते हैं और अल्कलाइन भी दे सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आंसर डी है, बट ये हम लोग जो जानते हैं वो होता है 6.67 इसका पीएच वैल्यू होना चाहिए। अब देखते हैं इसका आयोग क्या आंसर देता है। द ओनली नन मेटल विच फॉर्म पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन कौन सा ऐसा नन मेटल है जो पॉजिटिव आयन बनाता है, वो होता है हाइड्रोजन, आंसर हो जाएगा आपका सी, एच प्लस बनता है हमेशा, ठीक है। फिर है डेंटल, डेंटल एमलगम जो मिक्सचर है वो किसका मिक्सचर होता है, तो वो होता है मरकरी सिल्वर टीन एलॉय, तीनों का आंसर हो जाएगा आपका 39 का बी। हाइड्रोकार्बन इज ए ग्रीन हाउस गैस, कौन सा हाइड्रोकार्बन, वो मिथेन है, मीथेन हाइड्रोकार्बन का यूज किया, मीथेन जो है वो कहलाता है ग्रीन हाउस गैस। वॉल्यूम टेम्परेचर, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप किसके द्वारा दिया गया, तो वो दिया गया है चार्ल्स के द्वारा, आंसर हो जाएगा इसका सी। ऑन रिएक्शन विथ वाटर एक्टिव मेटल प्रोड्यूस्ड, ठीक है, पूछा जा रहा है क्या प्रोड्यूस करेगा, तो वो प्रोड्यूस करता है बेस, आंसर हो जाएगा आपका डी। फिर पूछा जाए इफ देयर वाज नो कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थस एटमोसफियर, तो क्या हो जाएगा अर्थ पर, तो जो आज का टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर रहेगा, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर इन ड्रिंकिंग वाटर, वो होता है 3 ppm, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है व्हेन ए न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड इन कैशन, तो अगर मान लो उसको बदल देंगे नेगेटिव चार्ज में, तो उसका साइज जो होगा वो साइज जो होगा वो हमेशा डिक्रीज करेगा, आंसर हो जाएगा आपका बी। फिर पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक होगा O2-, आंसर हो जाएगा इसका डी। पिकासा जो है वो फ्री प्रोग्राम है, वो किसका है और किस ऑर्गेनाइजेशन का है, तो वो है गूगल का, आंसर हो जाएगा आपका बी। रिसोर्सेज आर सेंट्रलाइज्ड अमंग द वेरियस ब्रांचेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, डैश कौन से क्लाउड, वो प्राइवेट क्लाउड होता है, ठीक है, वो क्लाउड जो है वो प्राइवेट है, आंसर हो जाएगा सी। फिर पूछा जा रहा है डैश मोड ऑफ ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड डिवाइस टू बी इन डायरेक्ट लाइन साइट विथ विच अदर,
वो होगा इंफ्रा रेड, आंसर हो जाएगा इसका ए। और दैट इज अवेयर ऑफ द एड्रेसेस असाइन टू ईच ऑफ द पोर्ट्स एंड सेंट्स। देखो इसका आंसर एक्चुअल में रॉटर होना चाहिए, बट रॉटर ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग इसका आंसर स्विच दे देंगे, बट इसका आंसर हम लोग के लिए भी डाउटफुल है। तो होप आपको आंसर मिले होंगे, आप अपने आंसर को मिला लें और देखें कि आपको कितना स्कोर आता है। थैंक यू वॉचिंग अस।